डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पुलिस की वर्दी पर मेरठ पुलिस ही दाग लगा रही है। पिछले 4 दिन में यह दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जब ड्यूटी के दौरान सिपाही नशे में धुत पाए गए। योगीपुरम कंकड़खेड़ा पुलिस चौकी में दारू के नशे में सिपाहियों के बीच हुए संघर्ष का वीडियो वायरल होने के 4 दिन बाद ही मेरठ करनाल हाईवे स्थित भूनी चौराहे पर नशे में धुत सिपाही अनुज चौधरी अत्याधुनिक इंसास राइफल समेत नजर आया। वह बामुश्किल खड़ा हो पा रहा था। राहगीरों ने वीडियो बनाई तो वह उलझता नजर आया। दरअसल कस्बा करनावल स्थित इंडियन बैंक में पुलिस लाइन से भेजा गया सिपाही अनुज चौधरी तैनात थे। गुरुवार की दोपहर वह वर्दी में नशे में धुत होकर इंसास राइफल लेकर भूनी चौराहे पर पहुंच गया। देखिए वह वायरल वीडियो। अखबार रिपोर्टर हूँ मैं, न्यूज़ वाला, तो वीडियो बनाऊंगा ना मैं अपने देश की। हमारे देश का जवान ऐसा होगा तो क्या होगा फिर? बनाऊंगा क्यों नहीं बनाने का मैं। आपने ड्यूटी में पी रखी है दारू? नहीं, हम सारे ढूंढ रहे हैं। नहीं, क्या ढूंढ रहे हो? बिल्कुल, कैमरे पास में लगा देना। बताओ क्या करना? क्या करना? आप सारे ढूंढ रहे, घर जाना चाह रहे हैं तो घर में ड्यूटी के टाइम पर हथियार ऊपर से ना देते? नहीं, एक बात तो बताओ। आप बना लो बात सुनो। ये बताओ आप जो भाई साहब ड्यूटी के टाइम पर हथियार ले रखा, आपने दारू पी रखी है। मैं अखबार से भी हूँ और वैसे भी हूँ, हाईडल से भी हूँ, दोनों तरफ से हूँ मैं। नहीं भाई साहब, मैं सुन रखा, हम भी बोलते हैं, मैं अखबार रिपोर्टर से भी हूँ और हाईडल से भी हूँ, दोनों तरफ से हूँ मैं। कोई नहीं, कोई नहीं, क्यों गलत बात है? रियाले को घुमरा गया है, ये कोई चुकेगा इनकी। बाद में सूचना पाकर पहुंची सरूरपुर पुलिस ने उसे किसी तरह पकड़कर थाने लाई और मेडिकल परीक्षण कराया। आपको याद होगा कि 4 दिन पूर्व ही योगीपुरम पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही ओजस्वे मलिक और दीपक मलिक के बीच बीते शनिवार को शराब पार्टी के बाद कहासुनी और हाथापाई हो गई थी। सिपाही दीपक चाकू से घायल हो गया था। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों के नशे में रहने की प्रवृत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शाम होते ही नशा कर लिया करते थे। नशे में ही उन्हें एनकाउंटर के बाद घटनास्थल अथवा जिला अस्पताल पहुंचने में मीडिया से वार्ता करते देखा जा चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए fastbite.tv और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन दबाने न भूलें। नमस्कार।